और जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने गुहाराम अजगले को टिकट दिया है। यहां मौजूदा सांसद कमला पाटले का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी के नए प्रत्याशी उतारे जाने के बाद सांसद कमला पाटले की बेटी प्रदीप पाटले ने ही बीजेपी प्रत्याशी के लोकसभा क्षेत्र से बाहरी होने का लेकर सवाल उठाए हैं। सांसद के बेटे प्रदीप पाटले ने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि क्या बीजेपी को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी नहीं मिला। सांसद के बेटे के बीजेपी के प्रत्याशी के बाहरी होने के सवाल के बाद सियासी सरगर्मी जो है काफी बढ़ गई है। एक दूसरे फेसबुक पोस्ट में बीजेपी संगठन के नेतृत्व पर निशाना साधा गया है। दरअसल बीजेपी के प्रत्याशी गुहाराम अजगले रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं। 2004 में सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र से गुहाराम अजगले बीजेपी के सांसद बने थे। इसके बाद गुहाराम की टिकट काटकर 2009 में कमला पाटले को टिकट दी गई थी और कमला पाटले 10 साल तक दो बार सांसद रही। अब बीजेपी ने गुहाराम को एक बार फिर मौका दिया है, जिसके बाद कमला पाटले के बेटे प्रदीप पाटले ने अजगले की स्थानीयता को लेकर फेसबुक पर सवाल उठाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार साहू हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। सांसद पुत्र ने विरोध जताया फेसबुक पर, राजकुमार जी। बिल्कुल दीपिका, ये बड़ा मामला है क्योंकि ये सांसद कमला देवी पाटले के बेटे हैं प्रदीप पाटले। इन्होंने कल लिस्ट आने के बाद गुहाराम अजगले को जब टिकट फाइनल हुआ उसके बाद से इन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया कि क्या जांजगीर चांपा जिले में कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं है जो बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। इस तरह से उन्होंने एक सवाल उठाया है। उसके बाद से भी इनका एक दूसरा पोस्ट भी इसी फेसबुक पे आया है कि जिसमें विधानसभा में हार के लिए जो सांसदों को जो ये बताया गया था कि उनकी वजह से हारा गया है, तो उन्होंने प्रदेश संगठन पर भी सवाल उठाया है। तो कल उन्होंने एक के बाद दो पोस्ट फेसबुक पे किया है, जिसके बाद से इस पर उन्होंने बाहरी प्रत्याशी होने का सवाल उठाया है। दीपिका, मैं बता दूं कि इस जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में 10 साल से दो बार की सांसद रही है कमला देवी पाटले और उनके बेटे हैं प्रदीप पाटले, और जो अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के गुहाराम अजगले, ये अविभाजित सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 2004 में सांसद थे, और अभी फिलहाल जो ये जो क्षेत्र है जहाँ की निवासी हैं गुहाराम अजगले, ये सारंगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह से प्रदीप पाटले ने सांसद के पुत्र ने सवाल उठाया है, उसके बाद से बीजेपी की राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस को भी बीजेपी पर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। जी दीपिका जी, राजकुमार धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।